जी मुर्गी में पॉइंट है ना, गोले गोली में गोले पकाते हैं। गोले मतलब क्या होते हैं? गोले जो पकाते हैं, पॉइंट है ना मुर्गी में, होली में, होली में गोबर की गुलरियां बनाई जाती हैं, उनमें धागा डालते हैं, आंगन में वो गुलरियां डाल करके उसमें आग लगाते हैं, तो धागा नहीं जलता है, गुलरियां जल जाती है। ये गुलरिया है शरीर, और धागा है परमात्मा का प्यार, जो आत्माओं को प्यार करते हैं उनका देह अभिमान जल जाता है और आत्माएं सुरक्षित रहती हैं, पूरा 84 जन्म लेती हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाती है, उनकी यादगार में ऐसा करते हैं। और शंकर जी के जटा में तंत्र मुझे क्यों बताते हैं? शंकर की जटा गंगा हुआ क्यों बताते हैं? हाँ, जब गंगा आती है तो जटाएं खुली हुई होती हैं या बंधी हुई होती हैं? है, खुली हुई जटाएं दिखाते हैं। गंगा आने से पहले जटाएं उलझी हुई हैं, बंधी हुई हैं, खुली हुई नहीं है। अभी भी ज्ञान की ढेर सारी बातें बच्चों को मुझी हुई हैं। ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। है तो मैंने बांध, अभी तो बताते जा रहे हैं, अंत में ज्ञान गंगाएं निकली हैं। पहले शंकर जी प्रत्यक्ष होते हैं कि गंगा प्रत्यक्ष होती है? है, पहले दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। गंगा तो वैष्णवी की सहयोगी है, विशेष सहयोगी है। जैसे कि वैष्णवी ज्ञान गंगा है, तो गंगा निकलती है वो बाद में निकलती है, इसलिए पीठ में गंगा दिखाई गई है जो उनके मस्तक से निकलती है। पहले बुद्धि में घुमड़ती रहती है। बुद्धि मस्तक में होती है या शरीर में? मस्तक में होती है। सतयुग के अंत, शुरू से अंत जाते जाते दो कलाकम होते, त्रेता के शुरू से अंत तक 6 कलाकम होते। एक का राज्य होगा तो अच्छा चलेगा या अनेकों का राज्य होगा तो अच्छा चलेगा? तो सतयुग में एक ही राजा होता है, 8 जन्म होते हैं, 8 पीढ़ियां होती हैं, 8 ही पीढ़ियों में एक ही राजा होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बदलते रहते हैं, परंतु दो नहीं होंगे एक टाइम पर, एक पीढ़ी में एक ही राजा होगा। और त्रेता में राजाओं का राज्य होता है या महाराजाओं का राज्य होता है? सतयुग में महाराजाएं होते हैं, महाराजा एक ही होता है, और त्रेता में राजाएं अनेक होते हैं। तो जब अनेक राजाएं होंगे
तो आत्मा की कला जल्दी जल्दी घटेगी या धीरे धीरे घटेगी? राज्य की ताकत कम हो जाती है। कहां सूर्यवंश और कहां चंद्रवंश? सूर्य की रोशनी में ज्यादा ताकत होती है या चंद्रमा की रोशनी में शक्ति होती है? सूर्य की रोशनी शक्तिशाली होती है, इसलिए वहां इतनी गिरती कला नहीं होती है। त्रेता में तीव्र गति से गिरती कला होती है। हाँ जी, बाबा जगन्नाथ और बलभद्र को बारह से अंजल नहीं मिलेगा करके श्राद्ध की लक्ष्मी जब से शुक्र के हाथ से नहीं खाओगे तब तक से हाँ जी, बारह वर्ष तक जगन्नाथ को और बलभद्र को अन्न नहीं मिला, स्नेह का जल भी नहीं मिला, अन्न जल की प्राप्ति जैसे नहीं होती है। हद के अन्न जल की बात है या बेहद के अन्न जल की बात है? बेहद का अन्न जल क्या होता है? ज्ञान है जल है, और याद है अन्न अनाज। अन्न खाने से शक्ति आती है या जल पीने से शक्ति आती है? है अन्न खाने से शक्ति आती है और जल अन्न को पचाता है। ये याद हमारा अन्न है। कोई की याद कब आती है? है कोई की याद कब आती है? कोई दुख देता है तब आती है या सुख देता है तो याद आती है? कोई सुख देता है तो उसकी याद आती है। स्त्री को पति की याद आती है क्यों याद आती है? जरूर पति ने सुख दिया होगा, भले विकारी सुख हो या निर्विकारी सुख हो। विकारी सुख होगा तो याद भी अल्पकाल की होती है। बाप आते हैं तो निर्विकारी सुख देते हैं, एक जन्म का देते हैं या अनेक जन्मों का देते हैं? है अनेक जन्मों के लिए स्थायी हो जाता है। और सुख दुख शरीर के द्वारा दिया जाता है, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा दिया जाता है या हवा में दिया जाता है? शरीर की कर्मेंद्रियों से ही, शरीर से ही सुख दुख दिया लिया जाता है। तो बाप भी साकार में आते हैं, साकार में आते हैं, उस साकार में बच्चों को जो सुख महसूस होता है वो याद आता है, वो ही आत्मा की ताकत है, वो आत्मा की शक्ति। कोई बहुत लेते हैं कोई कम लेते हैं। जो बहुत आत्मा की शक्ति भरते हैं वो जन्म जन्मांतर तक शक्तिशाली आत्मा बनकर रहते हैं।
परंतु कोई याद ही करे। और पानी न पिए तो गर्मी चढ़ जाएगी या ठंडक आएगी? गर्मी चढ़ जाएगी, दिमाग फेल भी हो सकता है। इसलिए ज्ञान और योग का बैलेंस रहना चाहिए। जल भी चाहिए और अन्न भी चाहिए। अन्न है हमारा याद, परमपिता परमात्मा की याद में जितना रहेंगे हमारी आत्मा में उतनी शक्ति जन्म जन्मांतर की भरती जाएगी। याद का आधार क्या बताया? याद कब आती है? जब कोई से सुख मिलता है तो इसकी याद आती है। रावण दुख देता है उसको कोई नहीं याद करता, और राम सुख देता है तो सारी दुनिया राम को याद करती है। प्रश्न का समाधान हुआ? क्या पूछा था? है हाँ, उनको कौन सा अन्न जल नहीं मिला 12 वर्ष तक? है हाँ, जो ज्ञान का जल है, जो याद की शक्ति है, पवित्र याद होनी चाहिए, वो ज्यादा शक्ति देती है या व्यभिचारी याद ज्यादा शक्ति देती है? पवित्र याद, पवित्र आद याद जो है वो इंद्रियों की पवित्रता से मिलती है या अपवित्र वैश्या की इंद्रियों से सुख मिलता है? ज्यादा सुख स्थाई कौन सा होता है? पवित्र इंद्रियों का सुख जासी स्थाई भी होता है। तो लक्ष्मी दुनिया की सबसे जास्ती पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का संग बिछुड़ जाता है किसको? बलभद्र और जगन्नाथ को। यानी राम कृष्ण की आत्माएं जो है वो लक्ष्मी के साकार प्यार से वंचित रहती है। वो अभी विचारी याद समाप्त तो हो जाती है। कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए। ये 12 वर्ष कौन से हैं? है 98 से लेकर के 98-99 से शुरुआत करें तो ये 12-14 वर्ष गाये हुए हैं वनवास के। रामायण में 14 वर्ष बताए हैं और महाभारत में कितने वर्ष बताए हैं? 13 वर्ष बताए हैं। 14वें वर्ष में तो युद्ध का आरंभ हो जाता है। तो युद्ध भूमि में जो राजपूत राजाएं होते हैं वो राजपूत राजाएं युद्ध भूमि में अपनी रानियों को ले जाते हैं क्या? नहीं ले जाते हैं। और मुसलमान राजाएं है? मुसलमान राजाएं तंबू ले जाकर के वहां युद्ध भूमि में भी हरम बनाते हैं। तो ये 14वां साल भी एक तरह से उन राजपूत सूर्यवंशी राजाओं के लिए कौन सा वर्ष हो जाता है? वनवास का वर्ष हो जाता है। ये 12 वर्ष का वनवास गाया हुआ है। राम कृष्ण और उनकी फॉलोअर्स विशेष आत्माओं के लिए
भक्ति मार्ग में गोवर्धन पूजा करते हैं। हाँ है मूसल से किसको कूटते हैं? है गोवर्धन को, जिस दिन बनाते हैं उसी दिन कूटते हैं या आगे पीछे कूटते हैं? बनाने के एक दिन बाद कुटाई होती है, तो बनाने को स्थापना कहेंगे या विनाश कहेंगे? है स्थापना होती है तो 16,108 गौए हैं, उनको बनाया जाता है पहले। जब वो संगठन एक बार तैयार हो जाता है तो फिर बाद में उनकी परीक्षा होती है, विनाश होता है। विनाश होता है तो मूसल कहो, मिसाइल से कहो, उन मिसाइल से दुनिया में विनाश होता है या बिना मूसलों के विनाश होता है? हैं? मिसाइल्स के द्वारा विनाश होता है। वो हैं हद के मिसाइल्स और यहाँ हैं ज्ञान के मिसाइल्स। पता चलता है जब विनाश होता है कौन पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है। जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो ज्यादा स्थायी रहते हैं, जो कम पावरफुल होंगे वो पहले ही अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, तो नंबर डिक्लेयर हो जाते हैं, नंबर पहला, नंबर 16,000वां। ये गौ, ये वर्धन, वर्धन माने बढ़ाना, कितनी गौएं हो जाती हैं बढ़ते बढ़ते? है 16,108। ये 16,000 गौओं का पहाड़ तैयार हो जाता है। दिखाते हैं इस पहाड़ को, भगवान ने छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया। ये 5 उंगलियां हैं 5 पांडवों की यादगार। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबसे छोटा पांडव कौन सा है? सहदेव। कौन से धर्म से है? सिख धर्म से निकलती है वो आत्मा। कौन? जगदम्बा। रुद्रमाला का आखिरी मणका है, सबसे छोटा मणका। कम पावरफुल है या ज्यादा पावरफुल है? हैं? कम पावरफुल है, आखिरी मणका है ना। नैया बहुत हल्की है या जहाज है? बहुत हल्की नैया है। दुनिया समझती है ये संसार सागर में डूब गई कि डूब गई। बाप क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कौन सी नैया दिखाते हैं? पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया सागर में। ये पीपल के पत्ते की नवैया है जगदम्बा। थोड़ा सा माया का झोंका आता है और वो पीपल का पत्ता जोर से हिलने लग पड़ता है। लोग समझते हैं अब तो डूबा कि डूबा, खलास हुआ कि खलास हुआ, लेकिन वो नैया डूबने वाली नहीं है, उस पर भगवान विराजमान है। भगवान उस नैया का खिवैया है। देखने में पीपल का पत्ता है परंतु उसको खेने वाला कौन है? हैं? जरा बल्ली कृपा की लगा देना। नाव चलाते हैं तो बल्ली लगाते हैं ना, तो ये संग की रंग की बल्ली है। जगदम्बा जितना मिलन मेला मनाती है इतना मिलन मेला कोई भी 16,108 में से नहीं मनाती। तो ज्यादा पावरफुल हो जाती है कम पावरफुल होती है? है ज्यादा पावरफुल होती है। याद गहरी हो जाती है, याद छूटना छोड़ना चाहे तो भी
छूट नहीं सकती। जगदम्बा है तो जगत की सब धर्म की आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आना पड़े, यह पीछा छूट जाएगा, सबके संसर्ग संपर्क में आना पड़े। वो जगदम्बा दिल्ली की यादगार है, सारी दुनिया में एक दिल्ली ही ऐसा तख्ता है जिस दिल्ली के तख्ते पर हर धर्म की आत्मा के बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे ने उसे दिल्ली की गोद में, जगदम्बा की गोद में राज्य किया है। बच्चा होता है तो किसकी गोद में राज्य करता है? माता की गोद में राज्य करता है। तो ढेर के ढेर बच्चों के संग के रंग में आने से वो नवैया कमजोर हो जाएगी या पावरफुल हो जाएगी? कमजोर हो जाती है, लेकिन बाप की याद बिसरती नहीं। ऐसा गहरा ठप्पा लगता है, वो याद खत्म नहीं होती, छोड़ना चाहे तो भी याद पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए बोला कि नवैया पीपल के पत्ते की तरह नवैया हल्की है, प्रश्न का समाधान हुआ? अरे नहीं समाधान हुआ, क्या पूछा? पूछने वाला ही भूल गया। हाँ, ये गोवर्धन पहाड़ को उठाने वाली कौन है? हैं? वो छोटी सी उंगली कौन है? जगदम्बा। तो अकेली एक जगदम्बा है या उस पहाड़ की पालना करने वाले और भी होते हैं? नंबर वार है, और भी होते हैं। तो सिख धर्म में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या? वो खालिस आत्मा है, ऊपर से देखने में आती है कि बड़ी काली है, बड़ी व्यभिचारिणी है, लेकिन बुद्धियोग एक से लगा हुआ है या अनेकों में बुद्धियोग रमता है? बुद्धियोग एक से लगा हुआ है। तो जब परीक्षा होती है तो सबसे जास्ती परीक्षा किसकी होती है? 16,000 गऊओं के बीच में ज्यादा से ज्यादा परीक्षा किसकी होती है? किसके ऊपर जास्ती तूफान आते हैं जो असर करते हैं? पीपल के पत्ते को ही जास्ती तूफान असर करते हैं, वो मूसल के रूप में दिखाते हैं। और मृगछाला क्यों दिखाते हैं? बैठता है कौन सी छाल के ऊपर? बैठता किसके ऊपर है? बाघंबर, बाघ की छाल के ऊपर बैठता है। और पहनता क्या है? मृगछाला। मृग में और बाघ में क्या अंतर होता है? हाँ जी, मृग बड़ा डरपोक होता है और बाघ एकदम निडर होता है। तो मृग छाला पहनते हैं माने जिसमें प्रवेश करते हैं वो मृग है या शेर है? आखिरी जन्म में शेर है, है आखिरी जन्म में कमजोर आत्मा हो जाती है या पावरफुल आत्मा होती है? कमजोर आत्मा बन जाती है,
अगर कमजोर न बन जाए तो उस राक्षस का क्या नाम है जिसके डर से सारी दुनिया में भागे भागे फेरे? भस्मासुर। भस्मासुर किसकी औलाद है, किसकी रचना है? अरे स्वयं रचयिता अपनी रचना से डर जाए तो ये कमजोरी हुई या शक्तिशाली की निशानी हुई? तो आखिरी जन्म में ये हाल होता है, जब आत्मा तमो प्रधान बनती है तो कमजोर हो जाती है, अपनी ही रचना से डरना पड़ता है। नहीं तो भगवान है तो भगवान को किसी से डर के भागने की जरूरत है क्या? हैं? परंतु ये लीला दिखाई है। लीला किसकी होती है, शरीरधारी की होती है या निराकार की होती है? शरीरधारी की लीला है। शरीरधारी जब अनिश्चय बुद्धि है थोड़ा भी तो भागना पड़ता है, और निश्चय बुद्धि है तो भागेगा या सामना करेगा? सामना करेगा। और राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, इसका बहुत संगम युग में राम वाली आत्मा महाराजा बनती है, राजा बनती है, साहूकार बनती है या प्रजा बनकर के रहती है? आखरीन, आखरीन, आखरीन जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तो राम वाली आत्मा क्या बनती है? महाराजा विश्व का बन जाती है। तो महाराजा का राज्य सत्युग में 8 जन्म चलता है, बाद में वही आत्मा 8 जन्म के बाद त्रेता के 9वें जन्म में प्रजा वर्ग में जाकर जन्म लेती है। और ऐसा साहूकार बनती है कि आखिरी नारायण की सारी राजधानी रहन में रख लेती है। आखिरी नारायण को इतनी जास्ती उधार संपत्ति लेनी पड़ती है राम साहूकार से ताकि उसका राज्य चलता रहे। तो जब ऋण बढ़ते बढ़ते जास्ती हो जाएगा तो राजाई देनी पड़ेगी या काबिज रहेगी? राजाई देनी पड़ती है। जो प्रजा वर्ग वाली राम की आत्मा है, साहूकार वाली आत्मा है, वो अपने धन के मुकाबले राजाई ले लेता है, और नारायण का राज्य खलास हो जाता है। किसका राज्य शुरू हो जाता है? त्रेता में राम का राज्य शुरू हो जाता है। परंतु ये गायन पूजन और यादगार बातें जो हैं, वो सतयुग त्रेता की यादगार हैं या संगम की यादगार हैं? माने संगम में ही राम वाली आत्मा ने ऐसा पार्ट बजाया है ज्ञान धन ग्रहण करने का, जबकि 8वां सतयुग का नारायण ब्राह्मण का जो मुख्य धर्म है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, वो कार्य नहीं किया, अपनी मनमत चलाई और मनुष्यों की मत पर बनाए हुए शास्त्रों का अवगाहन किया, अपना प्रभाव बढ़ाया,
मोटी मोटी पुस्तकें बनाई और मान सम्मान लिया पब्लिक से, लोकेशन बढ़ाई। तो ईश्वरीय कर्जा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ गया। राम वाली आत्मा ने असली कमाई की, ईश्वरीय ज्ञान धन लिया, मनन चिंतन मंथन करके उसको बढ़ाया और बढ़ा करके उसको संसार में आप्लावित किया। तो आठवें नारायण की शूटिंग हो जाती है। किस बात की? उधार लेने की। राम वाली आत्मा उधार देने के निमित्त बनती है। उधार लेते लेते सारी राजाई चौपट हो जाती, नारायण का राज्य खलास हो जाता है और सन 76 में राम वाली आत्मा की शूटिंग शुरू हो जाती है। सेवा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में विस्तार दीजिए। कैसे करनी चाहिए? अभी बाबा ने तुम्हें सेवा करनी चाहिए और कई भाई लोग बोलते हैं कि बाबा ने मना किया, ग्राउंड में सेवा नहीं करनी चाहिए। इसको थोड़ा स्पष्ट करना, भाई लोगों की बातें माननी है, शिव बाबा की बात माननी है, तो फिर इसमें स्पष्ट करने की क्या बात है? शिव बाबा की बात तो आंख बंद करके मानना। तो भाई लोग ज्ञान सुना सकते हैं बाबा जाके? भाई लोग भाइयों को ज्ञान सुनाए, मना कौन करता है? गांवड़े में जाएंगे तो बहनें और माताएं ही मिलती हैं गांवड़े में, भाई लोग नहीं मिलते हैं क्या? भाई लोग भी तो हैं, है भाइयों को सुनाओ, बल्कि गांवड़े में जाकर के कन्याओं माताओं को सुनाना शुरू कर देंगे तो लठ बजेगा। युगल बैठ के सुनना चाहें तो सुने, अगर पति इतना देह अभिमानी है कि अपनी औरत को साथ नहीं बैठाना चाहता है तो जबरदस्ती करोगे क्या? भाई को सुनाओ, पहले भाई को कन्विंस करो, जब वो कन्विंस हो जाए तो अपने परिवार वालों को भी कहेगा कि सुनो भाई। और एक प्रश्न बाबा, जैसे बाबा ने मुर्गी बोला है, बाबा गरीब निवास है, तो गरीब निवास का रिस्पॉन्ड बाबा ने कैसे दिया है? बाबा ने गरीब निवास का रिस्पॉन्ड कैसे दिया, ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ सब गरीब बैठे हुए हैं कि कोई करोड़पति बैठा है? गरीब से मतलब मेरा स्थूल धन से। हाँ हाँ, तो स्थूल धन में भी दिमाग कमजोर हो गया है, ये दिमाग पावरफुल है। बुद्धि तीखी है या वैज्ञानिकों की तरह है? बुद्धि तीखी है या डल हो गई है? तो डल हो गई तो गरीबी है ना। एक बात ठीक है बाबा, तो उसने हजार रुपए है, दोनों बात थे ना मुर्गी के अंदर। बेहद की तो बात बता रहे हैं, हद की बात तो स्थूल धन की होती है। तो हद की भी बात कर रहा हूँ। हद की भी है, बेहद की भी है। नहीं बाबा, जैसे यहाँ करोड़पति कोई भी नहीं बैठे हुए हैं, ज्ञान धन के हिसाब से बेसिक नॉलेज में बेसिक वाले जितना तिया पैसा निकालते हैं, ऐसा तिया पैसा निकालने वाले एक भी नहीं बैठे हुए। एडवांस ज्ञान की बातें ले जा करके जगदीश भाई को सुनाओ जाके, तो तुम्हारी बातें सहज मान लेगा कि बाल में से खाल निकालेगा? है बाल में से खाल निकालेगा शास्त्रों की? मेरा मतलब ये है बाबा कि जैसे बाबा, जैसे अधिकांश जो है शहरों में ज्यादा जाते हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, और गांव में बाबा की सेवा। बेहद के गांवड़े कौन से हैं? जब सब बातें बेहद की हैं तो गांवड़े बेहद के नहीं है। तो बेहद के गांवड़े कौन से हैं? बेहद में बेहद के गांव से गीता पाठशाला है, तो गीता पाठशालों में जाते हैं। ये गीता पाठशाला नहीं दिखाई पड़ रही है, ये गांवड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये ब्रह्मा कुमारियों का बड़ा बड़ा शहर है जहाँ हजारों लोग क्लास में बैठते हैं। मेरा मतलब है बाबा, जैसे अपना मतलब बताओ। हम लोग गांव में रहते हैं बाबा। हम लोग गांव में रहते हैं। तुम स्थूल गांव में रहते हो या बेहद के गांव में रहते हो? बेहद के
बेहद का गांव भी है और एक स्कूल भी है बाबा। हाँ, बेहद का जो गांव है तो बेहद में ही रहो। हम लोग जो है चाहते हैं बाबा हमारे गांव में आकर के थोड़ी सेवा करें। आपके गांव में आप आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। आत्मा का गांव कहाँ है? और ये बात तो ठीक है, अगर गीता पाठशाला है तो गीता पाठशाला तब है जब भगवान आकर वहां पाठ पढ़ाता है। तो भगवान एक बार दो बार जरूर आया होगा, कोई गीता पाठशाला में बार बार आया होगा, कोई गीता पाठशाला में कम से कम एक बार जरूर आया होगा। तो उस गीता पाठशाला की यादगार भारतवर्ष में गांव गांव में शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। वैसे एक समस्या आई बाबा हम लोगों की, जैसे हम लोग भट्टी नए कन्याओं या माताओं को भट्टी कितने जाती है? अब कन्याओं माताओं के पीछे भाई लोग पड़ेंगे तो फिर यही हाल होगा कि बाबा आना ही बंद कर देंगे। बाबा ने तो बता दिया, इशारा दे दिया, भाई लोग भाइयों को समझाएं और माताएं कन्याएं माताओं कन्याओं को समझाएं। जो समझना चाहें तो भी नहीं समझा सकते बाबा। कौन? कोई माता है वो तुम्हारे अंदर में है? नहीं, माता माता तुम्हारे अंदर में है? माता अंदर तुमको पति मानती है, स्वामी मानती है, तो जबरदस्ती तुम अपना ऑर्डर चलाओगे? अगर खुद ही सुनने के लिए आना चाह रही है तब तो उसको समझाओ कि तुम्हारे घर में स्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है, हमको भी पिटाई पिटवाओगी, जेल में डलवाओगी और खुद भी जेल में जाओगी। वही चीज तो ठीक है बाबा, क्या सुनने के लिए ये दिखाई नहीं पड़ता क्या? इसलिए तो बाबा ने बोला है भाई भाइयों को समझाए, कन्याएं माताएं कन्याओं को समझाए। और पंजाब में तो भूल के भी नहीं जाना, पंजाब के लिए तो खास अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, अगर भाई लोग जावेंगे माता ढाल को साथ में नहीं लिया तो डंडे खाने पड़ेंगे। और पंजाब तो बेहद हाँ सब बात में बेहद है, बंदर की बुद्धि बेहद में जाती जल्दी, उसके विकार भी बेहद में जाते हैं। और कृष्ण के दो तरह के माता पिता दिखाते हैं, एक तो वो माता पिता हैं जो विकारों की जेल में दिखाए गए हैं, एक वो माता पिता हैं कि जेल तो सारा संसार है फिर भी ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए छूटे ले हैं, जेल में नहीं है, वो पालना वाले माता पिता दिखाए गए, वो जन्म देने वाले माता पिता हैं। जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वो आत्मा को साकार में प्रत्यक्ष करते हैं, तो साकार में प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हैं देवकी और वसुदेव। क्या शिव बाबा को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? वो ही प्रत्यक्ष करेंगे जो पहले मरेंगे, देहाभिमान से पहले मरेंगे वो प्रत्यक्ष करेंगे या बाद में मरेंगे वो प्रत्यक्ष करेंगे?
तो कौन से धर्म वाले हैं जो पहले मरते हैं? ये इस्लामी पहले मरेंगे, तो वो इस्लामी पहले मरेंगे या ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में वो इस्लामी हैं जो बीज रूपात्माएं हैं इस्लामियों की, वो पहले मरती हैं, वो पहले मरेंगी। जब वो मरेंगी तो उनके मरने से ही बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि बाप ने बोला है जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। तो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की कौन कौन सी आत्माएं हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की आत्माएं हैं। और बाकी सब कौन से धर्म के हैं? सब सन्निवृत्ति मार्ग के हैं। उनमें पहला नंबर कौन है? इस्लाम धर्म। जितने भी विधर्मी और विदेशी हैं, उन सबसे पावरफुल धर्म कौन सा है? विदेशी धर्म, इस्लाम धर्म। ये इस्लामी पहले मरेंगे, जब ये पहले मरेंगे तो तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा। बच्चों का नाम पहले होगा या बच्चों को बनाने वाले का नाम पहले होगा? कौन प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले लेगा? है निराकार पहले प्रत्यक्ष होता है या साकार को प्रत्यक्ष करना होता है? प्रजापिता प्रत्यक्ष होगा कि इसमें निराकार आता है। बच्चों में पहला नंबर बच्चा कौन सा है? है कौन है? कृष्ण, वो तो सतयुग में है। बच्चे अभी सतयुग की बात हो रही है या संगम की बात हो रही है? सतयुग में शिव बाबा होता भी है तो बच्चे, हाँ, तो राम वाली आत्मा मुकर्रर रथ है जिसमें शिव प्रत्यक्ष होता है, उसको प्रत्यक्ष करने की बात है। एडवांस में भी जब एडवांस ज्ञान शुरू होता है तो इस्लाम धर्म की ही आत्मा दक्षिण भारत में पहले जाती है और वहां जाकर के दक्षिण भारत की आत्माओं को ज्ञान सुना करके उत्तर भारत में ले आती है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। तो दक्षिण भारत वाली आत्माएं आज भी सबसे जास्ती तादाद में उत्तर भारत में पहुंच रही है। भट्टी में 9 दिन जाकर के पकते हैं, जन्म लेते हैं, बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं उत्तर भारत में। ये तो सूक्ष्म बात हो गई। अंत में भी ऐसे होता है। बाहर की दुनिया तो जेल में है ही, विकारों की जेल में, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ब्राह्मण है वो सब विकारों की जेल में है। वो ही अकेले नहीं, एडवांस की दुनिया में भी जो और धर्म की आत्माएं हैं बीज रूप, वो सब विकारों की दुनिया की शूटिंग ही कर रही है। जो प्रत्यक्ष होने वाले सूर्यवंशी हैं, उन सूर्यवंशी बच्चों की बाप के साथ प्रत्यक्षता होनी है। उन बच्चों की संख्या कितनी है? जो बाप की प्रत्यक्षता के साथ ही 7 नंबर बार प्रत्यक्ष होंगे, 108 तो राजपद पाने वाले बच्चे हैं। नहीं, वो राजपद पाने वाले बच्चे हैं, राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं। जो राजयोग सीख करके राजपद पाते हैं वो मेरे राजा बेटे बच्चे हैं, बाकी बाप की प्रजा नहीं है क्या? बाप के भक्त नहीं है क्या?
बाप के वारसदार नहीं है क्या? तो 108 16,108 तो वारसदार बच्चे हैं। बाप की प्रजा कितनी है? ज्ञान सूर्य बाप की 9,00,000 प्रजा है। तो तमोप्रदान से सतोप्रदान बनने में तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जिनको तुम बच्चे कहा है वो बाप से सन्मुख बैठकर ज्ञान सुनने वाले बच्चे होंगे या संदेशा लेकर के घर में बैठने वाले बच्चे होंगे? है बाप से सन्मुख ज्ञान सुनने वाले बच्चे हैं बैठकर, वो हैं 16,108। पहले प्रजा तमोप्रधान से, वो प्रजा वर्ग की आत्माएं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगी या राजवर्ग में आने वाली, राज परिवार में आने वाली आत्माएं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगी? कौन पहले सतोप्रधान बनेंगे? राज परिवार में जो जन्म जन्मांतर राज परिवार में जन्म लेने वाले हैं, भले महाराजा बनने वाले हों, राजा बनने वाले हों, महारानी या महाराजा या राजा रानी बनने वाले हों या राज्य अधिकारी बनने वाले हों या बड़े बड़े साहूकार बनने वाले हों, क्योंकि बड़े बड़े साहूकार भी राजा के बाजू में बैठते हैं, चाहे प्रजावर्ग की आत्माएं हों। प्रजावर्ग की आत्माएं भी चार कैटेगरी किसकी होती हैं? फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। तो पहले राजा वर्ग की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी या प्रजावर्ग की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी? राजवर्ग की आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होंगी। उनके लिए टाइम बताया है 40 वर्ष से 50 वर्ष। तो कौन सा टाइम आया? 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2017-18 में पूरे होते हैं। तो 2017-18 में कोई इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं ही प्रत्यक्ष होंगी पहले, जो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए दिखाया है विकारों की जेल में हैं, विकारों की जेल में होते हुए भी जब उनकी बुद्धि पलटा खाएगी तो निर्विकारी बनेंगी, देह अभिमान त्याग देंगी। देह अभिमान से मरने के कारण वही सन्यासी फर्स्ट क्लास बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। जो बाबा ने बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की जय जयकार हो जाएगी। पहला नंबर है देवकी और वसुदेव। क्या नाम दिया? देवकी। किसकी अम्मा है? देवताओं की अम्मा। देवताओं की अम्मा? अरे देवताएं तो 33 करोड़ हैं। 33 करोड़ की अम्मा है क्या? हाँ, कृष्ण बच्चा नहीं। हाँ, जो देवदेव महादेव कहा जाता है देवताओं में सबसे बड़ा देवता, उस बच्चे को कौन प्रत्यक्ष करता है? कौन दक्षिण भारत की आत्माओं को खींच करके नॉर्थ इंडिया में ले जाता है? कौन बताता है कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं? वो मालिक विश्व का मालिक एक होगा या अनेक होंगे? उस एक का परिचय देता है, प्रत्यक्ष करता है, एडवांस के आदि में भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है और अंत में भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है। प्रत्यक्ष करना माने जन्म देना। माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। पहले बच्चा अप्रत्यक्ष था, जब जन्म होता है तो प्रत्यक्ष हो जाता है।
ऐसे ही अभी भगवान बाप अप्रत्यक्ष है, जिनकी बुद्धि में प्रत्यक्ष हो रहा है वो भी आज प्रत्यक्ष होता है, कल अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ते हैं। कभी प्रत्यक्ष है और कभी अप्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन जब 100% प्रत्यक्षता होगी तो हरेक के मुख से निकलेगा हमारा बाप आ गया। और है हमारा भोजन कौन सा है याद है? तो जो शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी कुमारियों द्वारा या ब्रह्मा द्वारा, उन ब्राह्मणों को बाप का परिचय देंगे तो उनको याद आएगी कि नहीं आएगी? याद आएगी माने उनको भोजन कराने का काम आप करेंगे, अगर परिचय नहीं देंगे तो भोजन कराने का काम भी संपन्न नहीं होता है। और मीरा वाली आत्मा कौन है? मीरा माने क्या? मीर किसे कहा जाता है? मीर कहा जाता है शहजादे को, मीरा कहा जाता है शाहजादी को। बाप है महाराजा और बाप की बच्ची कौन है? शहजादी तो है लेकिन वो आत्मा कौन है जो शहजादी के रूप में जन्म लेती है? हैं? जगदम्बा। बाप बच्चों को प्रेफरेंस देता है या कन्याओं माताओं को प्रेफरेंस देता है? हैं? कन्याओं माताओं को प्रेफरेंस देता है। कलश किसके सर पर रखा जाता है? कन्याओं माताओं के सर पर कलश रखा जाता है। तो कन्याएं माताएं परिवार की पालना के निमित्त बनती हैं। इसलिए सिख धर्म में गायन है राज करेगा खालसा। जब दुनिया का विनाश बरपा होगा तो उस समय दुनिया में राज्य कौन करेगी? जगदम्बा ही राज्य करेगी। समाधान हुआ? नहीं समझ में आया? हैं? हाँ। और वो मीरा है, मीरा माने क्या है? शाहजादी है। तो शाहजादी राजी करेगी? और है उतना हाँ गौ माने कन्याएं माताएं, धन माने धन। अरे वो जानवर गऊओं की बात है क्या? शिव बाबा के लिए सबसे बड़ा धन कौन सा है? है? कन्याएं माताएं ही सबसे बड़ा धन है। या जो दुर्योधन दुशासन बने बैठे हैं वो बड़ा धन है? कन्याएं माताएं विश्व की बादशाही स्थापन करने के निमित्त बनती है। बहुत धन है। क्या गोदना? काला निशान लगवाना है? काला निशान लगवाना, देह पर दाग हो जाना, चुनरी दगीली हो जाना, ये क्यों याद आता है? हैं? चुनरी को दगीला बनाना अच्छा या बेदाग बनाना अच्छा? बेदाग बनाना है। वो तो देहधारी पति होते हैं तो अपनी पत्नी के ऊपर गोदना रखवा देते हैं कि निशानी पक्की हो जाए, हमारी पत्नी को कोई दूसरा ना ले जाए। यहाँ तो देहधारी का बनना ही नहीं है, किसका बनना है? हैं? एक बाप का बन के रहना है।
और हमारे तो हमको तो अपनी आत्मा के ऊपर छाप लगवानी है, देह की छाप खलास। और बाबा भीखे वाले बोलते हैं योग लगाओ एक घंटा दो घंटा तो माताएं निकलेंगी। उनसे पूछो ना योग किससे लगाओ, वो कहेंगी बाप से, तो कहियो बाप है कहाँ, तुमने देखा है बाप को? जिस चीज को देखा जाता है उसको याद किया जाता है, जब तुमने बाप को देखा ही नहीं तो तुम याद कैसे कर लेगी, योग कहाँ से लग जाएगा? तो बाबा बाबा करती है बस। बाबा बाबा कहती है, बाबा हवा में होता है या मुरली में बोला, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, तुम पूछते ही नहीं सुन करके चले आते हो कथा। उन्होंने कथा सुनाई पंडित जी ने, और भगत जी बैठ करके सुने आए, और सुना करके यहाँ भरी सभा में ब्राह्मणों के बीच में सुनाते हैं, हमको पंडित जी ने ऐसा सुनाया। सुन रही है दूसरी माताएं सुना, आप नहीं सुनते हैं? हाँ, सुनी ना, आपने जवाब तो नहीं दिया। हाँ अभी जवाब देना। और चार बजे उठकर सुबह का टाइम सूट नहीं निकलेंगे, बाबा की याद में बैठे रहते तो क्या फायदा मिलेगा है? बाबा की याद में चार बजे सुबह से योग लगाना पड़ता है, याद में रहता है। याद में क्या मिलता है उससे? याद में रहना पड़ता है। हाँ, बाबा की याद में चार बजे सुबह, हाँ याद में रहे तो उससे फायदा क्या है? किसकी याद में रहे? बाबा के। बाबा को देखा है? देखा नहीं है तो याद किसको करेंगे? आत्मा परमात्मा है, आत्मा से परमात्मा है, याद अरे किसको याद करेंगे? याद जिसको करेंगे वो हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला है या नरक स्थापन करने वाला है? है स्वर्ग बनाने वाला है ना, तो वो स्वर्ग बनाने वाला साकार में आके स्वर्ग बनाता है या बिंदी बन के परमधाम में बैठ के स्वर्ग बनाता है? तो यहाँ जो आया हुआ है साकार में, उसको आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, इंद्रियों से अनुभव करेंगे, तभी तो याद आएगा, नहीं तो कैसे याद आएगा? ठीक अच्छा है। अच्छा बात है, तो चार बजे क्यों, दो बजे से याद करना शुरू कर दो। हाँ हाँ, पाँच बजे के बाद खत्म, पाँच बजे के बाद अमृत वेला नहीं रहता है, कि बहुत सी जगह इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पाँच बजे सूर्य देखने में आने लगता है, सबको सारी दुनिया देखती है बाप प्रत्यक्ष हो गया, तो जब सारी दुनिया के लिए भगवान बाप प्रत्यक्ष हो गया फिर याद किया तो क्या किया? प्रत्यक्ष होने से पहले याद करना है, जबकि वो गुप्त है, गुप्त को प्रत्यक्ष करना ये ऋषियों मुनियों का काम है, यह प्रत्यक्ष को याद करना बड़ा काम है। जो गुप्त है उसको याद करने वाले ज्ञानी आत्माएं हैं, वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, जो अज्ञानी है वो तो बाप को देख ही नहीं पाते, उनकी बुद्धि में तो बैठता ही नहीं बाप आया हुआ है, उनका तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला ही नहीं है। और जीव और आत्मा है, जीव और आत्मा में क्या अंतर? जीव कहते हैं जीवन को, जो जीता हुआ है वो जीव है, आत्मा जब परम धाम में है तो जीवित है, बोलती चालती है, उसको जीवन कहा जाता है। जीव किसके कहा जाता है? जीव कहा जाता है बोलते चालते को,
जड़ उसे कहा जाता है जो बोलता चालता नहीं है। तो परमधाम में आत्मा है तो उसे जीव कहें या सिर्फ आत्मा कहें? आत्मा। और वही आत्मा जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, कोई शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे जीव कहा जाता है, जीवित आत्मा, जड़ आत्मा नहीं। परमधाम में आत्मा ऐसे पड़ी रहती है जैसे जड़वत, बिना शरीर के कोई हलचल नहीं।